अटलांटिक ओशन में, इस वजह से द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट्स नेम रेफर टू द एटलस ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी। माइथोलॉजी में मतलब विश्वास, यानी कि ग्रीक विश्वास जो था माइथोलॉजी के थ्रू, ग्रीक के अनुसार द मेकिंग ऑफ अटलांटिक, इसका मतलब था सी ऑफ एटलस। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड ओशन। यानी कह रहा है कि अटलांटिक ओशन जो है पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इट कवर्स अबाउट 29% ऑफ अर्थ सरफेस वाटर, यानी पूरे अर्थ पर जो सरफेस वाटर का है उसका 29% अकेले कैरी करता है अटलांटिक ओशन। इसलिए सेकेंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशन माना जाता है। द अटलांटिक ओशन इज कनेक्टेड इन द नॉर्थ। अब इसका डायरेक्शन चेक करते हैं कि नॉर्थ में किसी से कनेक्टेड है, टू द आर्टिक ओशन। तो नॉर्थ में अटलांटिक ओशन आर्टिक ओशन से कनेक्टेड है। द पैसिफिक ओशन इन द साउथ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा पैसिफिक ओशन। द इंडियन ओशन अटलांटिक रीज, ठीक है, अटलांटिक ओशन के बीच में एक रीज पॉइंट बनता है जिसको लोग मिड अटलांटिक रीज कहते हैं। इट इज नोटेबल फीचर्स, यानी इसके क्या इसके बारे में कह रहे हैं, ये थोड़ा ध्यान देने वाली इसकी बातें हैं। अब अटलांटिक ओशन इट इज सबमरीन, यह कहा जाता है सबमरीन रेंज एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट द 1600 किलोमीटर फ्रॉम द आर्टिक ओशन। यानी कि आर्टिक ओशन से ये सबमरीन के रूप में काम करता है, तो यह 16000 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है टू द साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के साउदर्न यानी दक्षिणी पॉइंट तक यह फैला हुआ, इस पर नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं लास्ट में बचा हुआ है इसमें दो, एक है इंडियन ओशन और लास्ट में जो है पैसिफिक ओशन। तो इंडियन ओशन के बारे में बातें करते हैं। इट कवर 20% ऑफ अर्थ वाटर सरफेस। भारतीय महासागर जिसको कहा जाता है, इसके दूसरा नाम हिंद महासागर भी है, तो ये 20% अर्थ का वाटर सरफेस को कैरी करता है। इट मेक द थर्ड लार्जेस्ट ओशन और यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिंद महासागर। इंडियन ओशन को हिंद महासागर के नाम से भी जानते हैं। दिस ओशन इज बाउंडेड बाई अफ्रीका। अब ये देखते हैं इस इंडियन ओशन के बारे में कि ये कौन कौन से एरिया से या कंटिनेंट से या किसी खास ओशन से कनेक्टेड है। तो कह रहे बाउंडेड बाई अफ्रीका ऑन द वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ऑन द ईस्ट, एशिया ऑन द नॉर्थ, एशिया से नॉर्थ की तरफ, एंड अंटार्कटिका एंड द साउदर्न ओशन ऑन द साउथ, यानी कि चारों डायरेक्शन से यह घिरा हुआ है। It is the only oceans named after a country. ये ऐसा ओशन है जो एक कंट्री के नाम पे रखा गया है, जिसका नाम है इंडिया। और लास्ट में बोलता है इसमें ओशन के बारे में, पांचवा ओशन जो है पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन का दूसरा नाम प्रशांत महासागर भी है। सो इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द फाइव ओशन, यानी फाइव हमारे पास जो नोन डी ओशन इन द वर्ल्ड है उसमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट पैसिफिक ओशन है। इट कवर्ड 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एरिया और ये पूरे पृथ्वी का 1/3 वाटर का एरिया कैरी करता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द आर्कटिक ओशन और ये फैला हुआ है आर्कटिक ओशन से उत्तर की तरफ टू साउथर्न ओशन इन द साउथ और दक्षिणी ओशन से दक्षिण की तरफ। इट इज बाउंडेड बाई एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन द वेस्ट एंड अफ्रीका इन द वेस्ट, यानी कि एशिया से ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका के द्वारा यह कनेक्टेड है अमेरिका से ईस्ट में और एशिया और ऑस्ट्रेलिया से वेस्ट की तरफ यह कनेक्टेड है। द मेरियाना ट्रेंच, ये सबसे बड़ा फेमस ट्रेंच है पूरे वर्ल्ड में। द मेरियाना ट्रेंच इन द वेस्टर्न पैसिफिक, यानी पैसिफिक ओशन के पश्चिमी भाग में मेरियाना ट्रेंच है, इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। तो सबसे पूरे पृथ्वी में, पृथ्वी पर जो भी मतलब ये ओशन पाया जाता है उसमें यह सबसे डीपेस्ट पॉइंट, यानी सबसे गहरा गर्त के रूप में पाया जाता है, जो मरियाना गर्त इसका नाम होता है। रीचिंग ए डेप्थ ऑफ 10,911 मीटर, यानी यह 10,911 मीटर तक के अंदर, ठीक है, गहराई में है। द पैसिफिक इज नॉट ऑलवेज पीसफुल, और कहा गया है प्रशांत महासागर हमेशा शांत स्वभाव के रूप में नहीं रहता है। मेनी ट्रॉपिकल स्टॉर्म, यानी बहुत ऐसे ट्रॉपिकल स्टॉर्म यानी आंधी के रूप में यहाँ पे बैटर इज द आइसलैंड ऑफ द पैसिफिक, यानी कि पैसिफिक आइसलैंड में हमेशा कई तरह की ऐसी आंधियां आती रहती है। अगले टॉपिक हम देखेंगे, इसका लास्ट पोर्शन बचा हुआ है साउथर्न ओशन। लास्ट हम लोग हैं इसमें
साउथर्न ओशन यानी दक्षिणी महासागर, ठीक है। तो साउथर्न ओशन इज ऑल्सो नोन एज अंटार्कटिक ओशन, इसको दूसरा नाम अंटार्कटिक ओशन भी दिया गया है। कंप्राइजेज द साउथर्न मोस्ट वाटर ऑन द अर्थ, और यह कह रहे अर्थ पे साउथर्न मोस्ट वाटर कंप्राइजेज, अर्थ पे दक्षिणी भाग का जो पोर्शन है वाटर का वो कैरी किया जाता है। इट इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ 60 डिग्री लैटिट्यूड, और इसका डायरेक्शन चेक करेंगे, ठीक है, अक्षांश और देशांतर में, तो यह 60 डिग्री लैटिट्यूड पे सिचुएटेड होता है, स्थित होता है, एंड इन सर्कल द अंटार्कटिका कंटिनेंट, और अंटार्कटिका कंटिनेंट को चारों तरफ से घेरा होता है। इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट ऑफ द फाइव ओशन, यानी पांच महासागर जो हमारे पूरे वर्ल्ड में फेमस है उनमें यह फोर्थ पोजिशन पे सबसे बड़े ग्रुप में आता है। अंटार्कटिका ओशन सीज लाइफ, यानी अंटार्कटिका ओशन में जिसका नाम हम लोग साउथर्न ओशन भी रखे हुए हैं, सीज लाइफ यानी कि उसके समुद्री जीव जंतु जो हैं इंक्लूड्स, वो भी इसमें शामिल होते हैं जहाँ मैक्सिमम इस महासागर में जो रहते हैं। तो जनरली देखेंगे पेंगुइन्स, ब्लू व्हेल्स, ऑर्कास, फर सील एंड स्क्विड्स, ये कुछ स्पेशल टाइप्स के एनिमल्स हैं, वाटर एनिमल, एक्वाटिक एनिमल को बोल सकते हैं, तो इसमें पाए जाते हैं। इस तरह हम लोग का जो चैप्टर वन है, ठीक है, फाइव क्लास का।